गुजरात में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह आज, पीएम मोदी होंगे शामिल। एक दिन पहले पहुंचे अहमदाबाद, निकाला शानदार रोड। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत 26 मंत्री ले सकते हैं शपथ। पहली बार जीते विधायक भी हो सकते हैं शामिल। गुजरात में आज सातवीं बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी। दोपहर 2 बजे गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह। नए सचिवालय के पास बने हेलीपैड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कलाव, बीजेपी शासित सभी सीएम को आमंत्रित किया गया है। समारोह में कई साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह। गांधीनगर में ढोल बजाकर मना रहे जश्न। अहमदाबाद में समारोह में शामिल हो रहे नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी महिला मोर्चा कर रहा है नेताओं का स्वागत। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा मिली शपथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान। पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या के लिए तैयार रहने को कहा। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। पीएम मोदी के हत्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की सफाई। कहा, मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया गया। मैं गांधी को मानने वाला इंसान हत्या की बात नहीं कर सकता। पीएम मोदी की हत्या वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, अब कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही। बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 1 साल से जेल में बंद। आज नालंदा को मिलेगी डेंटल कॉलेज की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। 410 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। अगले सत्र से होगी पढ़ाई। नागपुर में संबोधन के दौरान पीएम मोदी का रेवड़ी कल्चर पर प्रहार। विपक्षी दलों पर साधा निशाना। पीएम ने कहा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की नीति घातक। देश को भीतर से खोखला कर देंगे ऐसे दल। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी की तरफ से दिए गए विवादित बयान पर दाखिल याचिका पर आज होगी सुनवाई। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। कानपुर में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सभी के भारतीय होने के लिए थी गारंटी। लेटर किया था जारी। अलग अलग नामों से मिले पासपोर्ट और आधार। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन। 13 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा पहुंची पीपलवाड़। लंच के बाद 3:30 बजे दोबारा शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से निकलेगी महिला शक्ति पदयात्रा। 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी यात्रा। दिल्ली आईजी एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को घंटों तक करना पड़ा इंतजार। पैसेंजर्स ने ट्वीट कर साझा की शिकायत। दिल्ली एयरपोर्ट का जवाब, उसने यात्रियों की सहायता और किसी भी तरह की असुविधा को कम करने के लिए अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात किया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। यात्रियों की शिकायतों के बीच टर्मिनल 3 पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। सिंगापुर से पटना लौटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कुढ़नी में महागठबंधन को मिली हार पर बोले, चुनाव में चलती रहती हार जीत। दिल्ली और हिमाचल को लेकर बीजेपी पर साधा निशान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद खड़गे पार्टी लीडरान और कार्यकर्ताओं से मिले। आफताब के गुनाहों का हिसाब करने का वक्त नजदीक। आ जा सकती है सीएफएसएल और एफएसएल की रिपोर्ट। फिर होगी पुख्ता चार्जशीट बनाने की तैयारी। सुल्ली डील्स मामले में मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत चलाया जाएगा मुकदमा। उपराज्यपाल बी के सक्सेना ने दी मंजूरी। कुतुब मीनार परिसर में मालिकाना हक याचिका पर आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में जीएसटी छापेमारी का विरोध जारी। व्यापारियों ने दी कारोबार बंद करने की चेतावनी। कारोबारियों ने छापेमारी के एवज में लगाया अवैध वसूली का आरोप। गाजियाबाद में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी का मामला। व्हाट्सएप ने लॉरेंस की डीपी लगाकर मांगी रंगदारी। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में देख सकता है चक्रवाती तूफान मेंडूस का असर। 10 जिलों में बारिश का असर। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना।
सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अर्जी पर होगी सुनवाई। सिसोदिया ने की थी मानहानी के मुकदमे को रद्द करने की मांग। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी विधायक दिनेश रावत के बिगड़े बोल, कहा टिकट नहीं मिलने पर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े तो चलवा देंगे बुलडोजर। राहुल की यात्रा में पायलट के समर्थन में नारे लगे, भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हो रही शामिल, प्रियंका गांधी उनकी बेटी मिराया भी चल रही साथ। सीएम शिवराज ने भोपाल में कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया, कहा भारत के इतिहास में जनजातीय समुदाय के लोगों का अहम योगदान। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोनो नेशनल पार्क का किया दौरा, चीतों के स्वास्थ्य को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से की बैठक, चीतों के अच्छे स्वास्थ्य पर जताई खुशी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कहा मुझे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। टीपू सुल्तान के समय के मंदिरों की सलाम आरती का बदलेगा नाम, कर्नाटक सरकार जल्द करेगी सर्कुलर जारी। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह मामले पर आज पहली बार चुनाव आयोग करेगा सुनवाई, 9 नवंबर की शाम 5 बजे तक दोनों पक्षों को दिया गया था अपना अपना पक्ष रखने का निर्देश। दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की बैठक आज, बैठक में जिला कार्यकारिणी को लेकर होगी चर्चा, जल्द होगी घोषणा, दायित्व बंटवारे को लेकर भी होगा मंथन। रेवड़ी कल्चर पर पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, अधीर रंजन बोले सिर्फ अमीरों को रेवड़ी बांटते प्रधानमंत्री, हम गरीबों को रेवड़ी क्यों नहीं बांट सकते। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में बैठने की जगह न मिलने पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल को आया गुस्सा, कार्यक्रम से वापस लौटे अनिल अग्रवाल। दतिया में सेवड़ा पुल के निर्माण को लेकर विधायक घनश्याम दास ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा पुल के निर्माण पर सरकार गंभीर नहीं है, जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। सतना में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में 5 करोड़ की चोरी का प्रयास, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। धमतरी में शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। हरदा में पुलिस ने 13 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। सीकर में 24 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के 107 कट्टे जब्त, आदि संघीय और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। बाड़मेर के धोरी मन्ना में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मूक बधिर युवती से गैंगरेप करने का मामला। डूंगरपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 ठगों को किया गिरफ्तार, 95 लाख रुपए की साइबर ठगी की थी, पुलिस कर रही मामले की जांच। 12 के मांगरोल में पार्वत नदी पर चल रहा अवैध खनन, 100 से 200 ट्रैक्टर रोज निकल रहे। धौलपुर जिले के कोलारी में पार्वती नदी के रपट के पास युवक का मिला शव, 2 दिन से लापता था युवक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। धौलपुर के बाड़ी में सैंपू रोड पर टेम्पो सवार महिला का आभूषणों से भरा बैग हुआ गायब, पुलिस कर रही मामले की जांच। अजमेर के माकड़वाली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस कर रही मामले की जांच। धनबाद के नया बाजार इलाके में कोयला कारोबारी की हत्या, बैंक मोड़ के पास अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। बेगूसराय में छापेमारी करेंगे पुलिस और पब्लिक के बीच नोकझोंक, शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने दुकानदार को लिया हिरासत में, लोगों ने जबरन गिरफ्तार करने का किया विरोध। कोडरमा के झंडा चौक इलाके में महिला से लूटपाट की वारदात, पुलिस कर्मी को झांसा देकर युवक ने की लूटपाट, पुलिस कर रही मामले की जांच। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दर्दनाक हादसा, खोपोली कस्बे के नजदीक एक पहाड़ी इलाके में बस के पलट जाने से 2 छात्रों की मौत, 47 अन्य घायल। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की करेगी शुरुआत, 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। धौलपुर के आंगई गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी हुए घायल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शिवपुरी के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। नवादा के धनदारी मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में 15 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर, सभी इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल। बेगूसराय में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल।
धनबाद जिले के गोविंदपुर आमाघटा में हाईवा ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, तीन लोग सख्त। पटना में कस्टम अधिकारी ने शराब के नशे में डॉक्टर की गाड़ी में पीछे से मारी टक्कर, हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे। जम्मू में यात्री बस को बालू लदे ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की हुई मौत, 35 यात्री घायल, बंगाल से आगरा जा रही थी बस। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से महिला की मौत, रविवार सुबह से लापता थी महिला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बरहरवा टोल प्लाजा विवाद मामले में आलमगीर और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने वाले डीएसपी से आज ईडी की पूछताछ, ईडी ने 12 दिसंबर को हाजिर होने का भेजा था समय। भोपाल में आज से चरमरा सकती है व्यवस्था, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 16,000 कर्मचारी, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के भरतपुर में हनुमान जी की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद, उग्रवादी संगठनों ने जताया विरोध, राज्य मंत्री पर लगाया मूर्ति हटवाने का आरोप। भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर निगम के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली के मौजूदा तापमान में बढ़ोतरी, आईएमडी का अनुमान 13, कल से एक बार फिर हवा की रफ्तार होगी तेज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद कोयम्बटूर में छाया कोहरा। सोने चांदी की कीमतों पर लगा ब्रेक, सोना 2,263 रुपए हुआ सस्ता, चांदी 68,000 रुपए किलो के करीब। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन रुपए में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 82.63 पर आया रुपया। भारत को यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाने का रूस ने किया समर्थन, 7 दिसंबर को आयोजित एक इंटरनेशनल फोरम में कहा कि भारत ने दुनिया के प्रमुख मुद्दों पर अपने स्टैंड से काउंसिल की वैल्यू बढ़ाई, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर भारत के रुख को बताया संतुलित। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने की नया आर्मी चीफ मुनीर की तारीफ, कहा आर्मी चीफ ने हाफिज कुरान, उनसे उम्मीद लगाकर बैठा है पूरा मुल्क। पाकिस्तान सीमा के पास अफगानिस्तान की सेना ने की फायरिंग, पाकिस्तानी सेना के मुताबिक गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, 17 गंभीर रूप से घायल। चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर पृथ्वी पर वापस आया नासा का ओरियन कैप्सूल, प्रशांत महासागर में गिरा कैप्सूल। मैक्सिको में क्रिसमस से पहले रेस का आयोजन, कई लोगों ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर रेस में लिया भाग। स्लोवाकिया में खराब मौसम के चलते सड़क पर लगा जाम, भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से यातायात प्रभावित। क्रोएशिया में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात, उफान पर है नदियां, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। ब्रिटेन में लगातार जारी है भारी बर्फबारी, लगातार हो रही बर्फबारी से ठप हुआ यातायात। ब्रिटेन के जर्सी आइलैंड में एक इमारत में हुआ विस्फोट, आग लगने से 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए लापता। रूस के नियंत्रण वाले मेलिटपोल शहर पर यूक्रेन का हमला, रूस का दावा हमले में 2 लोगों की मौत। इटली के रोम में गोलीबारी की घटना, एक शख्स ने कॉफी शॉप में की फायरिंग, 3 लोगों की मौत, कई घायल। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।